गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट 10, टुडे वी शैल रीड पार्ट 11। और हमने डिस्कस किया था, आपको जैसा कि पता है पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसके अंदर हमने सारे काइंड्स पढ़े थे, आर्टिकल, डिटर्मिनर, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिफिनेट, क्वालिफाई, नंबर ऑल, ठीक है। फिर डिटरमाइनर के हमने टाइप्स पढ़े थे, पार्ट ऑफ स्पीच हमने फिर उसमें देखा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, फॉर एग्जाम्पल, हम जैसा कि जानते हैं, हम पहले इसके डेफिनेशन जान लेंगे। टू शो और जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसे क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं हम। फॉर मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, फॉर एग्जाम्पल, एंड एज वेल एज, so that, both and, or, although yet, because, बहुत सारे ऐसे कंजक्शन के टाइम अलग अलग काइंड्स होते हैं, तो हम थोड़े इस कंजक्शन पर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है ये सारे। इंडिया, पाकिस्तान, लव, पीस। The room is hot. The athlete both fine and मैंने आपके यहाँ पे सामने कुछ एग्जांपल दिए हैं कंजक्शंस के। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान शुड लव पीस। आपको पता है इस सेंटेंस में एज वेल एज क्या है, कंजक्शन वर्ड है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही वर्क हार्ड, इसके अंदर बट कंजक्शन वर्ड होगा। अल्दो ही इज लेट, येट ही गेट्स टू कैच द बस। इस सेंटेंस में अल्दो और येट दोनों कंजक्शन वर्ड हैं। सेकेंड फोर्थ सेंटेंस में आई टर्न ऑन एसी बिकॉज द रूम इज हॉट, इसके सेंटेंस में बिकॉज कंजक्शन वर्ड है। और लास्ट सेंटेंस में द एथलीट बोथ फाइन एंड एक्सपेल, इसके अंदर बोथ एंड बोथ और एंड दोनों कंजक्शन वर्ड है। इस तरह से आपके एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं और ब्रैकेट में आपको दे रखा होता है फाइंड आउट कंजक्शन वर्ड। तो आपको सेंटेंस में इस तरह से अंडरलाइन करके फाइंड बताना है कि इस सेंटेंस में इस तरह का ये कंजक्शन वर्ड है। अंडरस्टूड? और हमारा आज पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन, जो कि हम आपको पता होगा। देखिए आप,
इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स टू एक्सप्रेस एक्सक्लामेशन। इंटरजेक्शन सेंटेंस में क्या करता है? टू एक्सप्रेस एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मीन्स होता है, आपको जैसा कि पता होगा, इस मार्क को कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। सबसे बड़ा शो आउट करता है इंटरजेक्शन सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस के जरिए समझेंगे, अलास आई हैव लॉस माई प्रॉपर्टी। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। वॉट एन आइडिया। इस तरह के आपके सेंटेंस दिखे हैं, आप देखिए ये सारे इसमें क्या कर रहे हैं, आपको जैसा कि मैंने बताया कि इंटरजेक्शन क्या करता है सेंटेंस में, टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, का मार्क कहते हैं इसको। तो आप सेंटेंस में देखिए, अलास आई हैव लॉस माई प्रॉपर्टी, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, और वॉट एन आइडिया। आप देखिए तीनों सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा होगा। इस तरह से सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सेंटेंस सारे किसके कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और एग्जाम में आप किस तरह से सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, फाइंड आउट इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी मार्क से जुड़ा हुआ जो वर्ड होता है वो इंटरजेक्शन को शो करता है, मीन्स टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन इन सेंटेंसेस। अंडरस्टूड? आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने हमने स्टार्ट से पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स, फिर हमने डिटरमाइनर्स के पार्ट्स पढ़े। डिटरमाइनर के पार्ट्स में जैसा कि हमको पता है, आर्टिकल्स, पॉजिटिव, डेमोस्ट्रेटिव, इंडिफिनेट, क्वालिफायर, नंबरल, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अंडरस्टूड? अब मैं आपको कुछ सेंटेंस के जरिए समझाना चाहूँगा। थोड़े सेंटेंस देखिए आप। सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर। Alas, her husband is no more. Find out interjection. I have a black and white cat. Find out conjunction. I have grammar books. I have read. देखिए अब एग्जाम्पल कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ब्लैंक, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर। आपके एग्जाम में भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। अब ब्रैकेट में दे रखा है ए एन द एन क्रॉस। जैसा कि मैंने बता रखा आपको, ए एन द आर्टिकल होते हैं और क्रॉस का मतलब होता है जीरो आर्टिकल। और जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है प्रॉपर नाउन के, हमें प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल यूजेस नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, अलास हर हस्बैंड इज नो मोर, ब्रैकेट में दे रखा है फाइंड ऑफ इंटरजेक्शन। तो आपको मैंने जैसा कि बताया है कि एक्सक्लेमेशन क्या इंटरजेक्शन क्या करता है, सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस करता है। तो इस सेंटेंस में अलास के नीचे अंडरलाइन करेंगे और हमको जैसा कि पता है ब्रैकेट में दे रखा है फाइंड ऑफ इंटरजेक्शन, तो इस सेंटेंस में अलास क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ब्रैकेट में देखा फाइंड आउट कंजक्शन। तो इस सेंटेंस में जैसा कि आपको पता है सेंटेंस में कंजक्शन वर्ड कौन सा है, एंड। तो ये क्या कर रहा है, इसमें कंजक्शन वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आई हैव रीड डैश ग्रामर बुक्स आई हैव, ब्रैकेट में देखा द फ्यू और द लिटल। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है फ्यू, द फ्यू और अ फ्यू सारे क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि द लिटल, लिटल और अ लिटल सारे अनकाउंटेबल एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि पता है मैंने पता है कि ग्रामर बुक क्या है, काउंटेबल नाउन को चलते, तो ब्रैकेट में हम ब्लैंक में क्या फिलअप करेंगे, द फ्यू फिलअप करेंगे। अंडरस्टूड, इस चारों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट, this is our lesson number 2, Indian economy 1950 to 1919 era, and this is part 6. We are learning industry and trade, and in this there is a subtopic is small scale industry. Small scale industry के बारे में हम लोगों ने पहले थोड़ा समझा था, और भी इसमें थोड़ा है जो हमें समझना पड़ेगा, तो अब देखते हैं आगे क्या है। एक तो मैंने बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो थी उस समय जब 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट जिसमें चाहिए था। दूसरी बात ये थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव थी, आज भी लेबर इंटेंसिव ही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है जो लेबर इंटेंसिव होती है, इसीलिए उसे स्मॉल कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मशीनों पर होता है। लोगों को तो हम मतलब सैलरी देते रहते हैं, लेकिन मशीनरी जो भारी भरकम या प्लांट जो लगाने पड़ते हैं बड़े बड़े प्लांट, उसे बोला जाता है। वो प्लांट नहीं, पौधे की बात नहीं कर रही हूँ, प्लांट का मतलब वो है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का, कंटेनर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसे पूरे को एक साथ हमें खरीदना होता है और एक साथ लगाना होता है। तो बड़े बड़े प्लांट और बड़ी बड़ी मशीनरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लगते हैं, और स्मॉल स्केल में छोटी मशीनरी या कम मशीनरी की इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, ये लेबर इंटेंसिव होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, बट दिस इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विथ अ बिग इंडस्ट्रीज फर्म। इट इज ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री require them to be shielded from the large firm for the purpose the production of a number of products was reserved for a small scale industry, the criteria of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. They were also given concessions such as lower excise duty, bank loan, lower interest. देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्यों ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा काम करते हैं, लेबर ज़्यादा काम करते हैं तो रोज़गार ज़्यादा मिलेगा लोगों को, इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। दूसरा ये था कि यहाँ पे जो था बैंक लोन जो मिलता था वो भी इनको लोअर रेट पे मिल रहा था, इनकी एक्साइज ड्यूटी भी बहुत कम थी, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगला टॉपिक क्या है अपना, ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्ट सब्स्टी ट्यूशन, ट्रेड पॉलिसी एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया अडॉप्टेड वॉज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। इन द फर्स्ट 7 प्लान ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज बाय वॉट इज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड, इनवर्ड लुकिंग, देखो इनवर्ड
इनवर्ड का मतलब है अपने पास जो आता है, आउटवर्ड का मतलब होता है जो अपने पास से जाता है। तो इम्पोर्ट का मतलब यही होता है कि हम लेते हैं चीज़ें, दूसरे देश से लेते हैं, इसलिए उसे इनवर्ड कहा गया। अब इनवर्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढना हमारा एक काम बन गया था। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढना मतलब इनवर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इम्पोर्ट करने की वजह से हमारे जो पैसे हैं वो ज़्यादा दूसरे देशों के पास जाएंगे, इसीलिए हमें इम्पोर्ट कम करना था। और इम्पोर्ट करने की जगह हमें ऐसे सब्स्टिट्यूशन ढूंढने थे जो हमारे देश में ही अवेलेबल हो, और एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना था, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट ऑफ importing vehicle made in a foreign country industry would be encouraged to produce them in India। मतलब vehicle, पहले गाड़ियाँ वगैरह ये सब दूसरे देशों से अपने देश में लाई जाती थी, तो ये import ही था, तो इसकी जगह हमें ये करना था कि अपने ही देश में गाड़ी बनाए। जैसे आपको पता है हीरो होंडा, हीरो होंडा का नाम आपने सुना होगा, पहले हीरो होंडा साथ में था, हीरो होंडा कंपनी, ये एक कंपनी थी पहले, जिसमें हीरो जो है इंडियन कंपनी है। कैसी कंपनी है? इंडियन। होंडा जो है वो जापानीज कंपनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब हमारे पास भी इतना इन्वेस्टमेंट था नहीं, इतने पैसे थे नहीं, ना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, तो अपने यहाँ पे हमने फॉरेन इन्वेस्टर को आने दिया कि तुम लोग आओ, मतलब यहाँ पे हम जगह आपको अवेलेबल करवाएंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, मतलब लोहा वगैरह सब यहाँ से ले लेंगे इंडिया से, और यहाँ पे एक कंपनी खोलते हैं, उसी में बनाते हैं और व्हीकल बना के बेचते हैं। तो ये दोनों कंपनी जो है जो अब अलग हो गई है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इतने सालों तक अपन साथ में प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। हीरो ने क्या काम संभाला, हीरो कंपनी ने यहाँ पे उनको जगह अवेलेबल करवाई वगैरह, और यहाँ जो भी सुविधाएं अवेलेबल हो सकती थी वो, और यहाँ के मार्केट को समझने में हेल्प की, मार्केट में ज़्यादा काम किया हीरो ने, और होंडा ने मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा काम किया, और इन्होंने मिल के, तुम्हें पता ही है हीरो होंडा के क्या प्रोडक्ट थे, सबसे पहले उन्होंने बाइक्स है ना, ये सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और इंडिया में पहले हीरो होंडा की ज़्यादा बाइक्स खरीदी जाती थी है ना, अलग अलग, और बेची गई। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तब हीरो भी अपने आप में एक अच्छी कंपनी बन चुका था, तो हीरो और होंडा दोनों अलग हो गए। अब होंडा के प्रोडक्ट होंडा के नाम से आ रहे हैं अभी भी अपने देश में मार्केट में, और हीरो के प्रोडक्ट हीरो के नाम से आ रहे हैं, ठीक है। इनका एग्रीमेंट पूरा हो गया, फिर ये दोनों इन्होंने और एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाया और अलग अलग कर दी अपनी कंपनी, और अलग अलग अब ये काम करते हैं। तो इस तरह की कंपनियों को हमने इनवाइट किया अपने देश में, और इस तरह से हमने काम करना शुरू किया, ताकि अब दूसरे देश से लाते हैं, फालतू का ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट लगता है, तो अपने ही देश में बनाने की कोशिश की जाए। In this policy, the government protected the domestic industry from foreign competition. Protection from import took two form, tariffs and quotas. देखो अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो हमें टैरिफ्स चुकाने पड़ते हैं, मतलब ये चार्जेस चुकाने पड़ते हैं, कोटास लगता है इम्पोर्टेड गुड्स पे, वो चुकाना पड़ता, मतलब ये टैक्स ही होते हैं अलग अलग नाम के, और ये बहुत ही भारी टैक्स होते हैं, जिससे वो चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो ये सब हमको चुकाने पड़ते थे। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज बेस्ड ऑन द नेशन दैट इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्री वर नॉट इन अ पोजिशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। It was assumed that if the domestic industry were protected, they would learn to compare in the course
कोर्स ऑफ टाइम. आवर प्लानर प्लानर ऑल्सो फियर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिगिन स्पेंड टू स्पेंड ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स इफ नो रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन इम्पोर्ट नॉर वॉज एनी सीरियस थॉट गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट अनटिल द माइंड ऑफ 1980s. देखो 1980s तक ऐसा ही चला अपना देश, लेकिन उसके बाद हमने इम्पोर्ट को कम करने की बहुत कोशिश की. इम्पोर्ट पे हमने क्या किया, चार्जेस बढ़ा दिए ताकि लोगों को और महंगा पड़े और वो अपने देश के लोग नहीं खरीदे, और ये भी कोशिश की कि अपने ही देश में चीज़ें बने जिससे वो चीज़ें अपने को सस्ती भी पड़े, और अपने देश में बनेंगी तो मजदूर भी मतलब रोज़गार भी मिलेगा लोगों को, नई इंडस्ट्री भी देश में आएगी. तो ये थी ट्रेड पॉलिसी ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. तो इस तरह से ये ट्रेड पॉलिसी थी. अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या है. तो ट्रेड पॉलिसी में और भी कुछ है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका सब टॉपिक क्या है. इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो कौन सी पॉलिसी बनाई गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. द प्रमोशन ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूट बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 13% इन 1950 to 51. GDP बढ़ गई थी 13%. कब? 1950 से 51 में 13% GDP बढ़ी थी. ठीक है, GDP मैं बता चुकी हूँ क्या है. उसके बाद 24 to 6% इन 1991 में, 1990 से 1991 में 24% बढ़ी थी क्या GDP. उसके बाद क्या मतलब इस ट्रैक पे चलने के बाद. ठीक है, द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल. नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट. कॉटन की इंडस्ट्री तो चल ही रही थी अपने देश में. कॉटन की इंडस्ट्री पता है चरखे से वैसे ही लोग बनाने लग गए थे, तो वो इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो चल ही रही थी. एक जूट इंडस्ट्री जो थी वो भी इंडिपेंडेंस से पहले चल रही थी, तो वो बाद में भी एज इट इज़ चलती रही और बढ़ोतरी हुई उसमें. इन फैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड इन 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में 1990 का दशक वो था जब पब्लिक सेक्टर में बता चुकी हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है, मालिकाना हक सरकार के हाथ में होता है, वैसी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी. मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आने लगा, GDP बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट ने वो पैसा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में लगाया, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इस समय भी हमने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और इम्पोर्टेड गुड्स की वजह से हमारा पैसा बाहर जाएगा बल्कि यहाँ आने की जगह. जैसे मैंने हीरो होंडा का अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हीरो इंडियन बेस्ड कंपनी थी, होंडा जापानीज़ कंपनी थी, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था और दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन किया. और अब मतलब वो जब पहली बार उन्होंने एग्रीमेंट किया तब कितने ईयर के लिए किया होगा. तो इसी तरह से हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने देश में आने दिया और इंडस्ट्री के लिए आने पर्पज से आने दिया. वो हमारे लिए थोड़ा रिस्की था लेकिन वो हमें करना ज़रूरी था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिना उस समय हमारी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती थी. आज हम देख सकते हैं कि हीरो अपने आप अलग हो चुका है, होंडा अलग हो चुका है, और हीरो भी अपने आप में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई है. दोनों के व्हीकल उनके नाम से आते हैं. इसका मतलब ये कि आज हमारी जो बेसिक जो
कंपनीज हैं जो इंडियन बेस्ड कंपनी है वो अपने आप ही अपने अंदर इतनी स्ट्रांग हो गई है और पूरी टेक्नोलॉजी मार्केट का उन्हें नॉलेज हो गया है कि हम खुद अपनी कंपनी अब इस्टेब्लिश कर सकते हैं और आ रही है नई नई प्योर इंडियन कंपनीज। तो ये था उस समय का इंडस्ट्रियल सेक्टर। आगे और हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना काफ़ी है।